तो पहला कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हमारा क्या है? पहला हमारा ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। दूसरा है हमारा डाई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट। तीसरा है हमारा ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। और चौथा है हमारा टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो फेराइट। ये हमारे क्या होते हैं? बॉक्स कंपाउंड होते हैं। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट मतलब हो गया हमारा C3S, फिर डाई कैल्शियम सिलिकेट मतलब हो गया हमारा C2S, फिर ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट मतलब हो गया हमारा C3A, और टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट फ्लोराइड हमारा हो गया C4A। ठीक है, एल्यूमिनियम फेराइट है, C4AF आ जाएगा। अब इसमें आप लोग एक चीज कॉमन देख रहे होंगे, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि सीमेंट क्या है। सीमेंट इज ए कैलकेरियस सब्सटेंस, जिसमें क्या होगा कैल्शियम ज्यादा। तो यदि आप देख रहे हैं कि बॉक्स कंपाउंड भी आए हैं, कंबाइन होने के बाद भी जो आपके क्या बने हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बने हैं, उसमें भी सब में क्या है? कैल्शियम 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 कैल्शियम, मतलब कैल्शियम की मात्रा हर जगह है। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? हम कैलकेरियस सब्सटेंस कहते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सीमेंट। व्हाट इज सीमेंट? तो हमको ये पता होना चाहिए सीमेंट इज अ बाइंडिंग मटेरियल। क्या है सीमेंट? एक बाइंडिंग मटेरियल है। और क्या है? कैलकेरियस सब्सटेंस है, इसका हमको पता होना चाहिए। आज हमने क्या सीखा है? तभी सीखा ना कि सीमेंट क्या है? बाइंडिंग मटेरियल है और कैलकेरियस सब्सटेंस है। और नॉर्मली घर के लिए हम जो यूज करते हैं ओपीसी और पीपीसी, अभी तक हमारे दिमाग में जो भरा था 30 मिनट और 10 घंटे, तो वो भी आज क्लियर हो गया कि 30 मिनट और 10 घंटे पीपीसी के लिए था, तो ओपीसी जो अब हम यूज कर रहे हैं वो उसके लिए क्या है हमारा? कितना है? 10 कितना है? 30 मिनट और 280 मिनट। बात समझ में आ रही है? चलिए ये लिख लिया आपने, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो फेराइट। अब इसके बारे में हम आपको आगे आपको बताएंगे, जब रिटार्डर और एक्सीलेटर बताएंगे तब हम आपको इसके बारे में डिटेल में बताएंगे। अभी केवल क्वेश्चन ऐसे हम आपको बता सकते हैं आते हैं कि मान लो कोई आपको आ गया क्या आ गया ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, तो आपसे पूछा जाएगा इज ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट इज अ क्या है? ऑक्साइड है या फिर क्या है आपका? बॉक्स कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। तो आपको इतना पता होना चाहिए कि सर ये तो क्या हमारा बॉक्स कंपाउंड है या फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ये हमारे ऑक्साइड नहीं है। ये कब आए हमारे? ये तब आए जब हमने इसको हाई टेम्परेचर दिया। तो ऑक्साइड को हाई टेम्परेचर दिया तो हाई टेम्परेचर में कंबाइन होने के बाद में जो कंपाउंड आए वो कंपाउंड है ये। ठीक है, नॉर्मली ऑक्साइड नहीं है, रॉ मटेरियल ये नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई? आई बात समझे सभी को? इसके आगे हम सब आपको बताते जाते हैं। अब हम एक टेस्ट देख लेते हैं पहले, फील्ड टेस्ट सीमेंट का। ये तो हो गए,